सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 5 के और जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उसे पूर्ण करेंगे। तो इसी क्रम में आज पेज नंबर 40 के क्वेश्चंस हम करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बोलो तुम क्या सोचती हो या सोचते हो, यानी आपको सोच करके बताना है कि आपको क्या लगता है। पहला प्रश्न है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था, है ना, इसीलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा था। शेर भोला था, है ना, और साथ ही मूर्ख भी था। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। तो बच्चों, शेर को लगा कि राक्षसी को देखकर कहीं भेड़िया भाग ना जाए, इसीलिए उसने अपनी पूंछ उसकी पूंछ से बांध ली। ठीक है, याद होगा आपको कहानी में। अगला प्रश्न है, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो बच्चों, मुझे लगता है कि फिर शेर कभी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा, है ना, क्योंकि उसने बित्तों को राक्षसी मान लिया था और उससे काफ़ी डर भी गया था। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है कि बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती, यानी अगर आप बित्तों की जगह होते बच्चों तो आप शेर से कैसे निपटते, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपको बित्तों की हिम्मत कैसी लगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से करेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने भी लिखा है कि मुझे बित्तों की हिम्मत बहुत अच्छी लगी, अगर मैं बित्तों की जगह होती तो मैं भी वही करती जो बित्तों ने किया, मैं हिम्मत के साथ शेर से निपटती और बिना डरे शेर का सामना करती। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इन सभी प्रश्नों को सीखा होगा, समझा होगा। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को लिखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।